नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। इंदौर में बसंत पंचमी के मौके पर हुआ सामूहिक विवाह का आयोजन। विष्णु प्रसाद शुक्ला ने की आयोजन की अध्यक्षता। परिणय सूत्र में बने सैकड़ों जोड़े। इंदौर के बीजलपुर क्षेत्र में तारों के नीचे से गुजरने के चलते ट्रक में अचानक लगी आग। थर्मोकोल से लदा था ट्रक। दमकल के पहुंचने से पहले क्षेत्रीय लोगों ने पाया आग पर काबू। इंदौर में कृषि मंत्री सचिन यादव ने ली अधिकारियों की बैठक। सचिन यादव ने साधा भाजपा पर निशाना। 22 फरवरी से किसानों के खातों में आना शुरू होंगे पैसे। बसंत पंचमी के मौके पर शहर भर में अलग अलग समाजों के सामूहिक विवाह के आयोजन हुए। इंदौर में श्री कानकुब जी विद्या प्रचारिणी सभा के तत्वाधान में विजय नगर स्थित के कॉलेज में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। आयोजन की अध्यक्षता विष्णु प्रसाद शुक्ला ने की। आयोजन समिति के संयोजक अन्नू वाजपेयी ने बताया कि विवाह के दौरान दुल्हनों ने दूल्हों को हेलमेट भेंट किए। निःशुल्क हुए इस आयोजन में सैकड़ों जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस मौके पर आयोजन के व्यवस्थापक दीपक शुक्ला ने बताया कि सामूहिक विवाह स्थल पर एक काउंटर भी लगाया गया था, जिसमें सभी समाजजन ने अपना वर्तमान पता और मोबाइल नंबर दर्ज करवाया। उनका कहना था कि श्री कानकुब जी विद्या प्रचारिणी सभा के करीब 3,500 सदस्य हैं, इसमें से कईयों के पते बदल गए हैं। उन्हें ढूंढने में कोई परेशानी ना आए, इसीलिए सभी के नाम पते नए सिरे से दर्ज करवाए गए। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। इंदौर के बीजलपुर क्षेत्र में एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। ये ट्रक थर्माकोल से लदा हुआ था। जानकारी के मुताबिक तारों के नीचे से गुजरते वक्त अचानक यह हादसा हुआ। ट्रक में आग लगी देख आसपास के लोगों ने घरों की बोरिंग से आग पर काबू पाया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी, लेकिन दमकल के आने से पहले ही क्षेत्रीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। इंदौर पहुंचे कृषि मंत्री सचिन यादव ने रेसिडेंसी कोठी पर अधिकारियों की बैठक ली। दौरान कृषि मंत्री ने मीडिया से चर्चा में बताया कि कर्ज माफी योजना एक प्रक्रिया है और इतिहास में ऐसी पहली सरकार जिस पर किसानों ने विश्वास किया है। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी के नाम पर बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज की नाक के नीचे इस घोटाले को अंजाम दिया गया। सचिन यादव ने कहा, मुख्यमंत्री के निर्देश है कि ऐसे घोटालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई मामलों में सरकार ने जांच बैठाई है और दोषियों को सजा भी होगी। उन्होंने बताया 22 फरवरी से किसानों के बैंक में खातों में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। कृषि मंत्री ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 15 साल में बीजेपी ने किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी है, भाजपा सरकार ने किसानों पर गोलियां तक चलवाई। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। बिलासपुर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति और फाइलेरिया उन्मूलन के तहत तखतपुर और सीपस क्षेत्र के स्कूली बच्चों को कृमि डीईसी की दवाई दी गई थी। दवा खाने के बाद कई बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई। शिक्षकों द्वारा बच्चों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बीमार हुए बच्चों में से 3 बच्चों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें सिम्स में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस घटना के बाद बीमार बच्चों को अभी तक न तो शिक्षा विभाग के अधिकारी देखने पहुंचे हैं और न ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। जवाबदार अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। बिलासपुर से प्रकाश शिवनानी की रिपोर्ट। शुक्रवार के दिन बच्चा स्कूल गया, हम घर में नहीं रहा और बच्चा स्कूल गया। स्कूल में का मास्टर खवाइच मितानीन खवाइच है वो तो हमका जानकारी नहीं है, हम तो घर में हैं। हैं अब स्कूल से मास्टर है अस्पताल धर के लाया, अस्पताल से फिर ले गया सुई पानी दवा के। हैं अब वो ठीक रही, 9 बजे रात की फिर वैसे हो गए। ओकर बावजूद फिर मास्टर ले के फिर सुबह आई से तो वो दिन भर रही से मितानीन भी आई से तो मितानीन है 1 घंटा बस रुके हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं रुके हैं। खड़ा डगने से आया हूँ। बच्ची को सिर में तकलीफ है, सिर में दर्द हो रहा है और बच्ची को बताया सर कि आज उनको शुक्रवार को दवा खिलाया गया था फाइलेरिया का। हाँ, दवा खाने के बाद कुछ दर्द था, इनका दर्द कम था, बाद में कल दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो गांव में देखे अपने स्तर में, लेकिन नहीं हो पाया, चलो सीधा सिम्स लेकर स्तर फिर सिम्स आ गया। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत मंदिर चौक पर एक ट्रैवलर
और वैन के बीच टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में वैन चालक भी आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में चौक पर स्थित एक स्टेशनरी की दुकान भी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। वहीं ट्रैवलर चालक और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है। बिलासपुर से प्रकाश शिवनानी की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।